आप हम एक क्यों? अपने स्टार क्रिकेटर को बर्थडे विश करेंगे भाई। कल बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस थी, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान मैच तो हार गया। शाहीन आफरीदी की हम बात कर रहे हैं। वैसे इतनी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं थी, शाहीन की तो सही थी। शाहीन का जबरदस्त स्पेल था और बाबर की भी परफॉर्मेंस अच्छी थी, लेकिन सर्टनली पाकिस्तान टीम को उसका फायदा नहीं हो सका, बिकॉज ओवरऑल इट डिड नॉट वर्क वेल फॉर अस। ओके, सो कहना ये है आपको कि कितने इनकी मतलब के एक्युलेट्स इनको दें हम, क्या क्या इन्होंने कारनामे दिखाए हैं शाहीन शाह आफरीदी की। लेकिन बर्थडे कौन सी आज 22nd इंडिया के खिलाफ आपको पता है ना, वो तारीखी फतह पाकिस्तान की और वो शानदार स्पेल, वो हम कभी नहीं भूल सकेंगे। और शाहीन आई एम श्योर अपने करियर में बहुत कुछ अचीव करेंगे, लेकिन ये अचीवमेंट उनकी सब अचीवमेंट्स पे मुझे तो लगता है भारी ना रहे। वैसे अल्लाह करे कि वो इससे बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स करें, बट दिस इज अनफॉरगेटेबल। तो कहाँ से अब शुरू करें? ऑब्वियसली 2018 में इन्होंने स्टार्ट किया अपना इंटरनेशनल करियर का आगाज़ किया, PSL 7 में लाहौर कलंदर्स को पहली बार चैंपियन बनाने वाले सबसे कम उम्र कप्तान रहे। ये बहुत बड़ी बात है, मोर देन एनीथिंग एल्स ये बड़ी। लाहौर कलंदर को इन्होंने PSL जितवा दिया, बिल्कुल, वरना कोई सीन नहीं था लाहौर कलंदर का। लेकिन शाहीन शाह आफरीदी के आते ही कुछ ये भी चमत्कार हो गया। और शाहीन शाह आफरीदी ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 200 विकेटें हासिल करने वाले 22वें पाकिस्तानी भी बन गए, तो ये भी एजाज इन्हें हासिल है। इनकी मंगनी भी हुई है, मंगनी भी हुई है भी, वैलेंटाइन पे याद नहीं है, तोहफा भी आया था, यू रिमेंबर दैट। ये हमने कहा कि इस मौके पे लाहौर कलंदर की सेलिब्रेशन एक बार फिर हो जाए, क्या ख्याल है? क्योंकि हमें डिस्ट्रैक्शन चाहिए ना, ये सारा कुछ जो हो रहा है इससे, तो हमने सोचा इसलिए विजुअल्स आपको दिखाएं कि कुछ लम्हों के लिए ही सही आप भूल जाएं।